नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं रबड़ी आवास पर, जहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने तमाम यहीं पे छात्र पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव मुलाकात किए सभी स्टेट अभ्यर्थी से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में अब पहली बार नहीं हुआ है जहाँ मेरिट वाले बाहर हो जाते हैं, जो परीक्षा में नहीं बैठते हैं वो भी आ जाते हैं। ये बिहार में पहली बार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो एसटीट अभ्यर्थी को आश्वासन भी दिया कि सत्र के दौरान मैं यह सवाल जरूर उठाऊंगा और सवाल और सरकार को घेरने का भी काम करूंगा। विद्यार्थी को आश्वासन दिया, इससे जो एसटीट अभ्यर्थी है वो काफ़ी इस बात से खुश है कि तेजस्वी यादव मुलाकात कर आश्वासन दिए और सत्र के दौरान सवाल उठाने का भी बात की और सरकार को घेरने का भी बात करेंगे। तो ऐसे तमाम जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं आप पहले सुनिए। अगर विज्ञापन का सर मेरिट के लिए मांग करना है, आत्मदाह का परमिशन दिलवा दीजिए। सरकार नहीं गिराएगा ताकि और क्यों में लोग लगे आत्मदाह। सर हम लोग गिराएंगे सर, आप आत्मदाह करिएगा, परसों कोई और करे, सरकारें की गिरावा ना। सरकार जो सर उसका साथ खा गए थाना वाला को जान मारा होता है थाना वाला को, सरकार ये करवा रहा है। ये व्यवहार है तो नीतीश का ऑफिस में कागज पड़ा हुआ है, अभी हमारा नीतीश का ऑफिस में कागज पड़ा हुआ है, कोई कानून नहीं। एसटीईटी का पहला मामला तो है नहीं, कई दिनों से चल रहा है और आप लोगों का मेरिट पे है, जो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है, या तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना सरकार। सरकार निकम्मी हो चुकी है। कई ऐसा ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें मेरिट वाले का नाम नहीं आया और जो एग्जाम कभी दिया ही नहीं उसका नाम आया, वही चाह रही है सरकार। इस तरह का सरकार, हम लोग तो ऑलरेडी पहली बार हम लोग विधानसभा में उठाए नहीं मामला, पहले भी उठाए आगे भी उठाएंगे और इस बार का भी क्वेश्चन हम लोग तैयार किए हो गया। लेकिन लेकिन सर एक मिनट करते सर, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाना है सर। शिक्षा मंत्री क्या करे, सुनिए ना सर, इससे पहले कितना शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिला देंगे सर, आपका योगदान।